हेलो बच्चों वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आप क्लास एलेवन के जो बच्चे हैं उनके लिए जो हमारी दो क्लास हो चुकी है एक तो हमारी कैसे स्टार्ट करें हम केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना चाहिए और दूसरा हमारी क्लास हुई थी कि भाई हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर और उसी लेक्चर को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं तो आइए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह से अपना सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखिए बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हाँ इससे नॉलेज लेना सीखिए समझिए चीज़ों को है ना और कमेंट में क्वेश्चन पूछिए अच्छा लगता है कि जब आप पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं कि सर ये ये हमें पूछना है ये यहाँ समझ में नहीं आया तो काफ़ी अच्छा लगता है और इस तरह से हमको पूछिए क्वेश्चन और हम भी आपके साथ इसी तरह से बने रहेंगे ठीक तो है तो आइए हमारा लेक्चर है आज का उसे आगे बढ़ाते हैं तो लास्ट टाइम हमने पहले मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बताया था जिसमें हम फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे थे और फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम सॉलिड कैसे होते हैं लिक्विड कैसे होते हैं तो वो हम बात कर रहे थे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो मेरे पास मैटर होता है और वो मैटर आप ये देखिए मैटर कितने टाइप का मैटर होता है ना मैटर को हम किस तरह से क्लासिफाई कर रहे थे एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड है ये लिक्विड है और गैस तीन पार्ट में बांटते है। हैं उसके बाद हमने केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक तो मिक्सचर बोला था और दूसरा प्योर सबस्टेंस बोला था बोला था नहीं बोला था और मिक्सचर को हमने इसको हम इम्प्योर सबस्टेंस भी बोलते हैं हमने ये भी बोला था कि इसको हम इम्प्योर सबस्टेंस के नाम से भी कह सकते हैं कि भाई इम्प्योर सबस्टेंस है ठीक है और इम्प्योर सब्सटेंस ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो टाइप में बांटा जाता है और एक होता है बच्चा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ठीक है प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर दो पार्ट में बांटा जाता है मिक्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस प्योर सब्सटेंस को हम एक तो एलिमेंट्स के रूप में यानी कि और दूसरा कंपाउंड के रूप में जानते हैं प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स का मतलब है एक जैसे सारे के सारे जितना भी हमारा पदार्थ होगा वो एक जैसे होंगे एलिमेंट्स जैसे आयरन है आयरन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे एफ़ी एफ ई एफ ई मतलब प्योर सब्सटेंस के रूप में लिया जाता है इसलिए हम उसको कहते हैं एलिमेंट है ठीक है एलिमेंट्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं मेटल्स और नॉन मेटल थोड़ा सा और हम कह सकते हैं कि मेटलॉइट्स के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं सही है कि नहीं भाई मेटलॉइट्स के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में देखते हैं ठीक है कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में देख सकते हैं और सॉलिड क्या है दो टाइप के सॉलिड के रूप में देखते हैं एक एमअर्फा सॉलिड और दूसरा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड एमअर्फा सॉलिड दो टाइप से हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए फ्लो चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ किस तरह से हम मैटर को डिवाइड करते हैं और किस तरह से यहाँ से केमिस्ट्री की फॉर्मेशन होती है केमिस्ट्री किस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं ये सारी चीज़ों बारे तो न, के बारे में लेके चलते हैं तो इन्हीं को आगे इसी चैप्टर में ना इन्हीं के बारे में कि डेंसिटी क्या है वॉल्यूम क्या है प्रेशर कैसे लगता है इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए इस चैप्टर में पढ़ते हैं फिर हम सॉल्यूशन बनाने लग जाते हैं है ना फिर वहाँ पे मोलैरिटी मोलैरिटी ये सारी चीज़ें पढ़ते फिर रिएक्शन कराने लग जाते हैं और रिएक्शन में हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं है ना तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने लग जाते हैं इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी अच्छा इसलिए इसको बोला गया सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऐसे ही नहीं बोला गया इसको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर वास्तव में हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बातें करते हैं तो आइए और आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने बांटा तो वहां पर हमने तीन पार्ट में बांटा फिजिकल क्लासिफिकेशन में था राइट तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने इसको बाटा. तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे एक सॉलिड में है एक लिक्विड में है और एक गैस में बांटते हैं सही है तो है? बात मतलब है कि नहीं सॉलिड में लिक्विड में गैस में तो सॉलिड क्या है सॉलिड का मतलब कि भाई आ, अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं कि भाई मेरे पास क्या है uh, मेरे पास कोई भी ए, एक दीवार बना रहे हैं हम लोग दीवार बना रहे हैं ठीक है अब दीवार में क्या है ईंटों को बहुत पास पास रख के दीवार बना रहे हैं ईंट लिया ईंट को बहुत पास रखा और उसके अंदर क्या है मसाला मिलाया और बहुत टाइटली उसको चिपका दिया तो एक दीवार बनती है वो भी सॉलिड दीवार बनती है उसके ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं बहुत पास पास और प्लास्टर तो और भी पास कर देता है उनको इट मींस पार्टिकल कैसे हैं बहुत ही पास है उनके बीच में इंटर जो डिस्टेंस है ठीक है इंटर एटोमिक डिस्टेंस या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही कम है इसीलिए उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई हो जाते हैं इतने हाई हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रिजिड तरीके से जुड़ जाते हैं इसलिए वो क्या होते हैं रिजिड होते हैं हार्ड होते हैं समझ में आ रही मैंने कहा पार्टिकल के जो सॉलिड है सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है जो उसके अंदर जो सॉलिड को फॉर्म कर रहे हैं उस सॉलिड की फॉर्मेशन जो होती है वो पार्टिकल को बहुत पास पास लेकर के उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा बढ़ जाता है इसलिए वो कैसे हो जाते हैं रिजिड हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं रिजिड आप देखेंगे यहां पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल कैसे हैं पास पास है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल किस तरह है? इतने पास पास है देखो है ना पास पास है कि नहीं तो पार्टिकल कैसे हैं बहुत पास पास होते हैं यहाँ पे इसलिए एक सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाती है किसकी फॉर्मेशन हो जाती है सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाती है इसीलिए और इनकी शेप आप कहीं पे भी उठा के रख दीजिए किसी भी सॉलिड को ये सी ये पेन है मैं इसको उठा करके अपने घर पे ले जाऊँ या कहीं और रख दूँ इसकी शेप चेंज नहीं होगी बच्चा है ना तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी मतलब क्या है ये एक सॉलिड है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम शेप चेंज नहीं कर सकते शेप कैसी होती है फ़िक्स होती है इसलिए सॉलिड की जो शेप है कैसी है फिक्स है और वॉल्यूम भी कैसा होता है फिक्स होता है अगर मैं आपसे कहूं कि भाई किसी का वॉल्यूम यहां पर दो लीटर है तो घर पे ले जाओ तब भी उसका दो लीटर कहीं पे भी लेके जाओ उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा फिक्स रहेगा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है बच्चा वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है इसीलिए फिक्स्ड वॉल्यूम है और इनको हम तोड़ नहीं सकते मतलब इतनी आसानी से हम इस चीज को स्क्वैश नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इसका मतलब ये हमारे पास सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है ठीक है सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है अब मैं बात करूं नॉट ये क्या है लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे देखो आप इन पार्टिकल्स को देखो थोड़ा दूर दूर हो गए पार्टिकल्स के इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है ना इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई है वो बढ़ गई है पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है तो वो क्या एक लिक्विड की फॉर्मेशन कर रहे हैं सॉलिड के अंदर बहुत रिजिड यानी कि इंटरम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई थे लेकिन लिक्विड के अंदर वो लो हो गए और गैस के अंदर तो पूरा ही जीरो एक तरह से हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ठीक है इसीलिए वो गैस के पार्टिकल कहीं घूम रहे होते हैं अपनी मर्जी से जा रहे होते हैं कहीं भी चल रहा है ठीक है ऐसे लेकिन लिक्विड के पार्टिकल है तो थोड़ा सा पार्टिकल बने हुए मूव तो करते हैं मूवमेंट तो होता है उसके अंदर लेकिन कैसा है उनके बीच में फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है लो है इसी वजह से इसलिए वो नॉट रिजिड होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई नहीं होता इसलिए वो क्या है नॉट रिजिड है शेप फिक्स नहीं आप लिक्विड को कहीं पर भी डाल दो तो शेप कैसी है चेंज हो जाएगी उसकी किसी बर्तन में दूसरे बड़े बर्तन में रख देंगे तो शेप चेंज हो जाएगी यानी कि एक जगह से दूसरे जाने पर शेप चेंज हो सकती है तो नॉट फिक्स शेप दूसरा फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स होता है मैंने मेरे का एक लीटर में मिल्क लेके जा रहा हूँ तो घर पर भी एक मिल्क एक लीटर ही निकलेगा वो चेंज तो होगा ही नहीं तो वॉल्यूम कैसा है उसका वॉल्यूम भी बच्चा फिक्स है और इनको भी हम स्क्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ध्यान रहेगा ऐसे ही गैस के बारे में ये रिजिड नहीं होती ये रिजिड तो बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि इंटरमगुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते ही नहीं है नॉट फिक्स्ड शेप फिक्स शेप नहीं होती फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती और इनको हम स्क्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया होगा आप चाहें तो इसक्रीन ले सकते हैं। बहुत आसानी से समझा रहा हूँ ये क्लास नाइन्थ के भी बच्चे पढ़ सकते हैं इसको आसानी से ठीक है एलेवन तो बहुत ईजी है ना समझ में आ रहा होगा आपको उसके बाद अगला देखो अगला बात करते हम आपको याद है कि मैंने अभी केमिकल क्लासिफिकेशन ये जो है ये कहाँ से ले लिया हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में जा चले गए हम केमिकल क्लासिफिकेशन में चले गए केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग चले गए इसमें ठीक है केमिकल क्लासिफिकेशन में केमिकल क्लासिफिकेशन में चले गए यहां पे और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मिक्सर के ऊपर और मिक्सर हमारे दो पार्ट में होते हैं एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर और दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सर दूसरा कौन सा होता है होमोजीनियस मिक्सचर सही बात है सही बात है भाई अभी हमने पढ़ा कि भाई ये हमने पढ़ा था ना अभी देखो 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 ये रहा मिक्सर होमोजीनियस मिक्सर होता है और एक हेड्रोजीनियस मिक्सर होता है तो वही चीज हम बात कर रहे हैं अभी है ना वही चीज हम बात कर रहे हैं ठीक है तो आप होमोजीनियस मिक्सर से क्या समझते हैं कि भाई जो हमारे जितने भी हम चीजों को मिला रहे हैं जितने भी हमने कंपोनेंट्स मिलाए हैं आपस में मिक्स करे हैं वो सारे के सारे अगर सेम फेज में दिख रहे हैं एक जैसी फेज में दिख रहे हैं अगर वो एक जैसी फेज में दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब वो कैसे है होमोजीनियस है मतलब फेज कैसी है सेम है थ्रू आउट द सोल्यूशन यूनिफॉर्म दिख रहा है अब देखिए यहां पर समझना मैंने क्या किया सुगर ले लिया मैंने ये क्या ले लिया है सुगर ले लिया बच्चा है ना और सुगर को मिक्स कर रहा हूं मैं किसके अंदर वाटर के अंदर मिक्स कर रहा हूं मैं किसके अंदर मिक्स कर रहा हूं वाटर के अंदर मिक्स कर रहा हूं ठीक है सुगर को मैंने वाटर के अंदर मिक्स किया थोड़ी देर क्या होगा ये ये इसके अंदर दिखेगी है ना इसके पार्टिकल आपको दिखेंगे लेकिन जब इसको हम स्टायर कर देंगे तो हमें वो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा एक जैसा दिखेगा यूनिफॉर्म हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा यूनिफॉर्म हो जाएगा उसके अंदर शुगर आपको नज़र नहीं आएगी उसके अंदर आपको शुगर नज़र नहीं आएगी इसीलिए ये क्या है एक होमोजीनियस मिक्सचर है समझ ना मैं इसकी जब हम हम कुछ भी ले सकते हैं हम एन ले सकते हैं नमक ले सकते हैं सॉल्ट ले सकते हैं और उस सॉल्ट को वाटर के अंदर क्या कर सकते हैं डिजोल्व कर सकते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा तब भी हमको क्या मिलेगा बच्चा होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा ऐसे ही अगर मैं कोई मिट्टी ले लू सेंड दिस इज वॉट दिस इज द देंड अगर मैंने मिट्टी ले ली और मिट्टी को वाटर के अंदर डाल रहा हूं मिट्टी को मैं वाटर के अंदर डाल रहा हूं ठीक है मिट्टी को क्या किया मैंने वाटर के अंदर डाला और वाटर के अंदर डाल के डालने के बाद आप देखेंगे तो मेरे पास वो मिट्टी अलग दिखेगी और वाटर पार्टिकल आपको अलग दिखेंगे यानी कि आप दो चीजों को सेपरेट कर पा रहे हैं यानी कि दो फेज उसकी बता पा रहे हैं कि यहां पर मिट्टी है यहां पर वाटर है जब दो फेज को आप बता पा रहे हैं तो वो क्या है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर लिया जाएगा वो किसके अंदर लिया जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर लिया जाएगा तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये ऐसा मिक्सचर है जो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है ये कैसा है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर है भाई आपको सारा का सारा सॉल्यूशन एक जैसा नहीं दिखेगा आपको अलग अलग फेज में दिखेंगे पार्टिकल्स सॉलिड अलग दिख जाएगा लिक्विड अलग दिख जाएगा वैसे ही ठीक है समझ में आ रहे हैं आपको तो वो हाइट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर लिया तो और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं आप लिक्विड लिक्विड का हाइट्रोजीनियस मिक्सचर भी बना सकते हैं जैसे मिल्क ले लीजिए और मिल्क और water, वाटर सॉरी मिल्क और वाटर का भी मिक्सर हाइड्रोजीनियस ही होता है क्योंकि वाटर थोड़ी देर बार ऊपर आ जाता है और मिल्क नीचे चला जाता है तो वो कैसा है हाइड्रोजीनियस मिक्सर है ठीक है ना तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारी लाइफ में जैसे कहीं पर धुआं है और कहीं पर एयर है तो एयर अलग दिखेगी मतलब एयर का पार्ट आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा लेकिन जहाँ पर धुआं है वो धुआं अलग दिख जाएगा तो वो हाइट्रोजीनियस मिक्सचर वहाँ पे भी हो जाएगा समझ में आ रही है आप लोग तो हाइट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं बताओ बच्चों इड्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं बताओ ठीक है आगे चलते हैं हम लोग अगला है एलिमेंट और कंपाउंड अगला हमारा जो था प्योर सबस्टेंस के रूप में है ना प्योर सबस्टेंस के रूप में एक तो हमारे पास एलिमेंट होता है और एक होता है कंपाउंड ठीक है एक होता है हमारे पास कंपाउंड होता है तो दोनों ही ये प्योर सबस्टेंस है एक तरह से ये भी प्योर सबस्टेंस है ये भी प्योर लेकिन ये प्योर कैसा अच्छा ये इम्प्योर थोड़ा बोलस थो नहीं लेकिन इम्प्योर नहीं प्योर ही होता है इसमें ना एक जैसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं एक जैसे होते हैं जैसे मैंने कहा वही वाटर मॉलिक्यूल ले लिया मैंने वाटर ले लिया एच टू ले लिया ठीक है आप देखेंगे एच टू ओ के अंदर से केवल आपको एच टू एस टू मोलिक्यूल देखेंगे जितने भी हैं और सारे के सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे होंगे कंपाउंड बना रहे होंगे कि वाटर क्या एक कंपाउंड है वाटर क्या है कंपाउंड है ठीक है वाटर क्या है, है. कंपाउंड है? है ठीक तो हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ एटम हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ एटम किसके अंदर एलिमेंट के अंदर सारे के सारे आइटम एक ही प्रकार के होते हैं सारे के सारे आइटम एक ही प्रकार के होते हैं इसलिए हैज ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और ये हैज टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स यानी कि इसमें काइंड kind ऑफ of, मतलब अलग अलग टाइप के आइटम जैसे मैंने कहा भाई एच टू ओ है तो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग प्रकार के आइटम्स है लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है सारे के सारे जितना भी एच टू मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल सेम होंगे ठीक तो हो है ना तो एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल कैसे हैं सेम है और इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल के तौर पर और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल फार्मूला के तौर पर इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिंबल के रूप में इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल फार्मूला के, के रूप में इसको करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम यहाँ पर जो एटम का पार्टिकल है वो कैसा है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मॉलिक्यूल है थे है ना इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है एटम इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है मॉलिक्यूल होता अभी मैंने बताया बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक बड़ा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं ठीक है ना तो वो हमारे पास क्या है कंपाउंड और एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है बोलो आपको समझ में आ गया होगा नोट भी कर सकते हैं स्क्रीन भी ले सकते हैं आप आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला देखो यहाँ पर मैंने आपको जो आपको बताया वही मैंने कहा कि भाई जो एलिमेंट है जैसे हीलियम अलग ले लिया हमने ऑक्सीजन अलग ले लिया ये क्या है? एक एलिमेंट के रूप में है समझे ना यहाँ पर एटम बहुत सारे आइटम मिल करके ऑक्सीजन एटम बना रहे हैं ऑक्सीजन एलिमेंट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या है हमने कहा कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग ऐटम्स हैं मतलब सेम ऐटम्स से सारे के अंदर जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होंगे वो सारे के सारे हीलियम के होंगे ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होंगे तो वो क्या है एलिमेंट्स के सेम काइंड ऑफ एटम ऑल आर ऑल एटम्स आर सेम काइंड ठीक है ध्यान रहेगा बताओ ऐसे इसके अंदर देखे वाटर है वाटर वॉटर की यहां पर हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है तो यहां पर वाटर का एक मॉलिक्यूल के रूप में लिया गया है और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सारे मिलकर क्या बना देंगे एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देंगे और यहां पर जो हमारे एटम्स है वो कैसे हैं डिफरेंट एटम्स है डिफरेंट काइंड के एटम मिलकर के बना रहे हैं ठीक है बोलो ये बात समझ में आ गई आपको बच्चा आगे बढ़ जाए देखिए अगला नंबर अब एलिमेंट्स के भी टाइप होते हैं ये क्या है टाइप्स ऑफ एलिमेंट है ये ये जो हम बांट रहे हैं नॉन मेटल और मेटल ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट है ये क्या है टाइप्स ऑफ एलिमेंट में आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट तो एलिमेंट्स को आगे हमने डिवाइड किया हमने मेटल और नॉन मेटल के रूप में किया आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा मेटल और नॉन मेटल के रूप में तो वो मेटल्स कैसे होते हैं लस्चरस होते हैं चमक होती है उनके अंदर लस्चरस और ये कैसे होते हैं डल होते हैं डल का मतलब फेड होते हैं ठीक है ऐसे ही ये गुड कंडक्टर होते हैं तो ये नॉन कंडक्टर कंडक्टर होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कैसे होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट या ब्राइटल के रूप में कह सकते हैं हाई डेंसिटी होती है इनकी डेंसिटी किसकी सॉलिड और गैस के रूप में लिए जाते हैं और ये डक्टाइल हैं ये यूजली सॉलिड और एट रूम टेम्परेचर एक सॉलिड में लेंगे और ओपेट्यू एस थिन सीट और इनको थिन सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और सोनरस होते हैं क्रिएट करते हैं ये नॉन सोलस है तीन सीट में लेके आ, ले आ सकते हैं ट्रांसपेरेंट के रूप में और ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों रूप में मिलते हैं ठीक है ये तीनों रूप में आपको मिल जाते हैं ठीक है जैसे आप ये पीरियडिक टेबल देखेंगे तो पीरियडिक टेबल में ये वाले जो है ना ये वाले जितने भी आपको ये दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है मेटल्स है ये जो कलर दिख रहा है ना आपको ये सारे के सारे मेटल्स है तो हमारी पीरियडिक टेबल के अगर हमारे एक चैप्टर भी बात करेंगे और इस पर हम वीडियो अलग से ही बनाएंगे कि आपको कैसे याद रखना है इस पीरियडिक टेबल पर को किस तरह से याद रखना है वो भी हम अलग से बनाएंगे तो आप देखेंगे ये ब्लू कलर जितने भी दिख रहे होंगे वो सारे के सारे क्या है बेटा वो सारे के सारे मेटल है ठीक है और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है ये, ये नॉन मेटल है ये क्या है नॉन मेटल है बच्चा ठीक है और ये जो आपको सी सी दिख रही है सी डी सी दिख रही है ना सी डी एस जैसे आपको दिख रहा है वो क्या है ये है मेटलॉइट्स यानी कि मेटल और नॉन मेटल की दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं मेटलॉइट्स है तो याद कैसे रखना बहादुर सिंह जी ऐसे सब्जेक्ट टीचर हैं तो इसी तरह से मैं आपको पीरियडिक टेबल याद करना सिखाऊंगा है ना तो ये मेटलॉइट्स याद करने की सी वो है बहादुर सिंह यानी कि मेरा नाम है ना बहादुर सिंह जी ऐसे सब्जेक्ट टीचर हैं तो आपको याद रखेगा कि भाई मेटेलॉइट्स को हम किस तरह से याद रखते हैं ना तो बताओ ये चीजें क्लियर हुई आपको आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं ठीक है और भी और इतना ही आज की हमारी क्लास इतनी है कल से हम बात करेंगे अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कैलकुल कैलकुलेशन का पोर्शन चालू होगा यहां से हमारा थियोरटिकल पोर्शन था और अच्छी तरह से आपको उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी और अगर कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हम उस कमेंट उस कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और पढ़ते हैं ठीक है अच्छा लगता है कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं और इसी तरह से लाइक लाइक करना ना भूलें ठीक है बहुत ज़रूरी है आपके इस लाइक से मोटिवेशन मिलता है और हमको भी और आपको भी मिलेगा जब हम आपको वीडियो बना के देंगे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देंगे ठीक है ना तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर वीडियो को शेयर करें और लाइक करें थैंक यू आज की क्लास इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू